देखिए ऐसा था, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में जो बिहार से लोग आए थे, यूपी से आए थे, इनको केजरीवाल ने रातों रात अनाउंस करके कहा आप दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, आपके लिए बसों का अरेंजमेंट हो गया, इनको बसों से लेकर के बॉर्डर के आसपास छोड़ दिया गया। उस टाइम पे बड़ी खराब सी सिचुएशन आ गई। वो तो जो योगी हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने टाइमली एक्शन लेकर के इनको वहां से उठा के एक इमीडिएटली कैंप्स बनाए जिनको वहां रखा गया, उसके बाद उनको धीरे धीरे घर भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। गेम प्लान ये था कि वो जो झुग्गियां खाली हुई, ये जो टेम्प्रेरी शेल्टर से खाली हुए, वहां पे रोहिंग्यास को बसा दिया गया। बसाया किसने? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने, ताकि उनका वोट बैंक बने, इंडिया कमजोर हो, क्योंकि एक केजरीवाल का भी कुछ ऐसा एटीट्यूड रहा है। आप देखिएगा कि अब हम जैसे नेक्स्ट वीक में करने जा रहे हैं, मैं अपने चैनल पे रोहिंग्यास के ऊपर एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ इस फ्राइडे को, मैं इसके बाद केजरीवाल के ऊपर प्रोग्राम करूंगा, केजरीवाल को एक्सपोज करूंगा किस तरीके से केजरीवाल ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो रोहिंग्यास का जो काम हो रहा है, इसके अंदर जो इनको बसाने का काम किया जा रहा है, जो ऑपरेशन इनके पीछे है, उसके ऊपर मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कई चीज़ों से फ्री हो चुकी है। और बांग्लादेश से अंदर ममता बनर्जी के जाने के बाद ये जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं ये वीक हो जाएंगी, इसके बाद गवर्नमेंट एक तरीके से एक्शन ले लिया जा सकेगा। और मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे दिल्ली में या बाकी जगह जो बार बार एजिटेशन हो रही थी, अब इनका दौर खत्म होने वाला है। मैं एक एस्ट्रोलॉजी से बात करता हूँ, उसने मुझे कहा कि मई से पहले कहा था कि मई 2021 से इंडिया का और मोदी का टाइम बेटर रहेगा, बहुत अच्छा टाइम होगा। तो मुझे लगता है कि अब मार्च आ गया है, 1.5 महीने का टाइम बचा है।